हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स. ओके, इन प्रीवियसली इन क्लास 9 ज्योग्राफी वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट ग्रेटर हिमालय और इनर हिमालयस. सो टुडे वी हैव लर्न अबाउट हिमाचल, लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय एंड अबाउट सिवालिक ऑल्सो. सो लेट्स बिगेन विद द हिमाचल और लेसर हिमालय एंड मिडिल हिमालय. अब पहले नाम से समझते हैं कि हिमालय के इस पार्ट को, यानी हम लोग इस मैप में देख सकते हैं, देर इज़ अ थ्री पैरेलल रेंज ऑफ हिमालय. फर्स्ट वन इज़ द ग्रेटर हिमालय विच इज़ कंटिन्यूसली वेस्ट टू ईस्ट इन अ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. एंड आफ्टर दैट देर इज़ अ लेसर हिमालय एंड आफ्टर दैट आउटर हिमालय विच ऑल्सो नोन एज द शिवालिक्स. सो तो जैसा कि नाम से हम समझते हैं कि इस पार्टिकुलर ये जो मिडिल रेंज है इसको हम लोग हिमाचल हिमालय या लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय क्यों कहते हैं. हिमाचल हिमालय इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो मेन प्रोमिनेंट पार्ट है, यानी ये जो मेजर पार्ट है, यानी सबसे बड़ा जो रेंज है, वो कम्प्लीटली कहाँ है, कहाँ पे है, हिमाचल में है, जो कि इंडिया का एक स्टेट है. सो दैट इसको हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है. और लेसर हिमालय क्यों कहते हैं, लेसर हिमालय इसलिए कहते हैं बिकॉज ये क्या है, लेसर है, छोटा है. किससे छोटा है, ग्रेट हिमालय से छोटा है. यानी ये जो ग्रेटर हिमालय है इससे क्या है, ऑब्वियसली ये इससे इसकी जो हाइट होगी वो ग्रेटर हिमालय के जो माउंटेन रेंजेस है, वहाँ के जो माउंटेन है उनसे कम है, इसलिए इसको लेस कहा जाता है. इसलिए इसका नाम क्या है, लेसर हिमालय. अब इसे मिडिल हिमालय क्यों कहते हैं, तो अब ये थोड़ा सा लॉजिकल है, इसको समझते हैं. ठीक है, अब जैसा हमने देखा था इन फॉर्मेशन ऑफ हिमालय कि क्या हुआ था कि ये जो ये जो यूरेशियाई प्लेट है ऊपर की, ये क्या थी, अपने जगह स्टेबल थी और इसमें नीचे से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आकर इसमें कोलाइड करती है, टकरा जाती है. और टकराने की वजह से क्या होगा, सबसे पहले कौन सा रेंज बना, हमने इनर हिमालय में पढ़ा था कि हमने उसे इनर क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि वो सबसे पहले बनी थी. तो सबसे पहले कौन बना, ग्रेटर हिमालय बना. और उसके बाद सेकेंड फेज में, यानी जब ग्रेटर हिमालय का इवोल्यूशन हो गया, उसके बाद कौन सा बना, उसके बाद बना लेसर हिमालय यानी मिडिल हिमालय. ये दूसरी बार बना या बीच में बना तो इसको क्या कहते हैं, मिडिल हिमालय. और उसके अलावा इसलिए भी मिडिल हिमालय कहा जाता है क्योंकि ये किसके बीच है, ये ग्रेट हिमालय और आउटर हिमालय के बीच में है. दैट्स वाई इट नोन एज द मिडिल हिमालय. सो द रेंज लाइंग ऑफ साउथ ऑफ द हिमालय. अब ये जो है हिमालय, अब कहोगे ये जो इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में ये जो पूरा माउंटेन रेंज है ये तो कहाँ पे, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में अवेलेबल है. लेकिन लेकिन ये जो रेंज है, यानी जो तुम्हारा हिमाचल हिमालय या लेसर हिमालय है, ये कहाँ पे है, ये साउथ ऑफ द हिमालय. यानी जब हम इसको लॉन्गिट्यूडनल वे में देखते हैं, नॉर्थ टू साउथ देखते हैं, तो नॉर्थ से साउथ में ये जो ग्रेट हिमालय है इसके कहाँ पे है, ये साउथ में अवेलेबल है. इसलिए ऐसा लिखा गया, रेंज लाई ऑफ द साउथ ऑफ द हिमालय. इट मीन्स ये इसके साउथ में है एंड कंपोज ऑफ द हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द रिलेटिविटी. सो जब हिमालय का कंपोजिशन हुआ देन इस समय क्या था कि इस समय ये जो मिडिल पार्ट है ये ग्रेट हिमालय और आउटर हिमालय के बीच ऐसे था जैसे ये एक सैंडविच की तरह बीच में कंप्रेस्ड हो गया, सैंडविच बन गया. ठीक है, तो बीच में ये कंप्रेस्ड होने की वजह से कई बार टूटा फूटा, या इसका जो निर्माण है, इसका जो इवोल्यूशन है वो कई बार हुआ. इसमें काफ़ी टूट फूट हुई, काफ़ी रफनेस आ गई, जिसकी वजह से कहा जाता है इट कंपोज ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक. ओके, एंड एवरेज अल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 मीटर एंड 4000 मीटर. ओके, इसका जो हाइट है, एवरेज हाइट मिडिल हिमालय का जो एवरेज हाइट है वो 3700 मीटर टू 4000 मीटर है. जबकि हमने देखा था कि एंड इन कंपैरिजन टू ग्रेटर हिमालय उसका एवरेज हाइट कितना है, 6000 मीटर है. एंड एवरेज विर्थ ऑफ 50 किलोमीटर. अब विर्थ क्या है, विर्थ क्या कहते हैं, सपोज दैट इट्स अ माउंटेन, तो
ये हाइट है, दिस इज द हाइट, और ये जो लंब चौड़ाई है यानी ये जो चीज है, ये जो चीज है ये क्या है, विड्थ है। तो डेफिनेटली ये सपोज दैट ये ग्रेटर हिमालय है, ये मिडिल हिमालय है, तो ग्रेटर हिमालय की विड्थ क्या है, ज्यादा है, और मिडिल हिमालय की विड्थ उससे कम है इन कंपैरिजन टू ग्रेटर हिमालय। तो इस जो मिडिल हिमालय है इसकी एवरेज विड्थ है वो कितनी है, 50 किलोमीटर। ओके, विड्थ इन द सेंस समझ में आ गया होगा कि विड्थ क्या है, अगर माउंटेन की विड्थ की बात की जा रही है तो उसका मतलब क्या है। ओके, सो द पीर पंजाल रेंज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड लॉन्गेस्ट रेंज। अब क्या है कि पीर पंजाल रेंज यानी ये वाला जो रेंज है, दिस रेंज, ओके, दिस रेंज इज नोन एज द पीर पंजाल रेंज, जो कि क्या है, इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और लॉन्गेस्ट रेंज है। एंड आफ्टर दैट धौलाधर, यानी इसके ऊपर यहाँ धौलाधर और उसके नीचे महाभारत, महाभारत ये जो है ये भी क्या है, इसके बहुत इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट पीक्स हैं। एंड द फेमस वैली ऑफ कश्मीर, कश्मीर की जितनी भी फेमस वैलीज हैं जो कि हिल स्टेशंस के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली, तो इन ये सब जो है, या कुल्लू मनाली वगैरह का नाम सुना होगा, तो ये सारी चीज़ जो है वो इसी रेंज में मिलती हैं। ओके ओके, बिफोर स्टार्टिंग द शिवा लेक्स, वन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट लॉन्गिट्यूडनल वैलीज। अब क्या है कि माउंटेन के बीच में जो पासेस होते हैं, ठीक है, अब सबसे पहले वैली किसको कहते हैं, इफ देयर इज अ टू माउंटेन देन ये बीच की जो वैली है यानी ये बीच का जो पासिस बचा ये क्या कहलाएगा, वैली। तो अब लॉन्गिट्यूडनल वे में सपोज दैट देयर इज अ माउंटेन, वेट, सपोज दैट देयर इज अ माउंटेन, ओके, और माउंटेन के बीच क्या है, ये पैसेज है, इनको वैली कहते हैं, एंड दीज आर नोन एज द वैली। और ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्पेस है यानी इन दोनों माउंटेन के बीच जो लॉन्गिट्यूडनल स्पेस है, दीज आर नोन एज द लॉन्गिट्यूडनल वैली। ठीक है, तो ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, जैसा कि हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं, दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज विच आर इन हिमालयाज। सो लेट्स स्टार्ट द शिवालिक और आउटर हिमालय, अगेन कम ऑन द नेम। तो आउटर हिमालय क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या है, सबसे आउटर मोस्ट रेंज है, सबसे नीचे, सबसे निचला यानी सबसे साउदर्न मोस्ट रेंज है हिमालय का, दैट्स वाई इट नोन एज द आउटर हिमालय, और हिंदी में इसका नाम है शिवालिक। ओके, एज होमवर्क ये फाइंड आउट करेंगे आप लोग कि इसे शिवालिक्स क्यों कहते हैं, ठीक है, ये एक हिंदी नेम है इसका। तो अब देखते हैं, आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय, ये क्या है, आउटर मोस्ट रेंज है हिमालय का, दीज रेंज आर कंपोज ऑफ अनकॉन्सोलेटेड सेडिमेंट्स ब्राउट डाउन बाई रिवर फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंज लोकेट फर्दर नॉर्थ। यानी ये जो रेंज है ये किससे बना है, हिमालय से जो जो ग्रेटर हिमालय में बहुत सारे जो ग्लेशियर्स हैं उनसे निकल काफ़ी सारी रिवर्स निकलती हैं, बहुत सारी पेरेनियल रिवर्स निकलती हैं, तो ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय से निकलने वाली जो रिवर्स हैं वो अपने साथ क्या लाती हैं, माउंटेन रीजन से कुछ सेडिमेंट्स भी लेकर आती हैं। तो उन सेडिमेंट्स के डिपोजिशन की वजह से ये जो शिवालिक रेंज है ये बना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने से नहीं बना था, नहीं, ये उस समय भी बना था, बट रिलेटिवली क्या था, ये थोड़ा छोटा था। देखते हैं, जब जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकराता है तो क्या बना, पहले ग्रेटर हिमालय, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटर हिमालय, उसके बाद उसके कंप्रेशन से क्या बना, मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय, और फिर ये उसके बाद बने शिवालिक्स। हालांकि उस समय इनका इनका जो एलिवेशन था वो इतना ज़्यादा नहीं था, इनकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा नहीं थी, ये ऊंचाई किस वजह से बढ़ गई, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट विच ब्राउट बाय द रिवर फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंज विच फॉर लोकेट फर्दर नॉर्थ, जो कि इसके किस में है, नॉर्थ में लोकेटेड है। ओके, एंड एवरेज हाइट ऑफ दिस रेंज, अब शिवालिक रेंज की एवरेज हाइट जो है वो क्या है, 900 to 1100 meter है, दे आर एक्सटेंडेड ओवर द विर्थ, अगेन ये जो विर्थ है तो विर्थ कितनी है, 10 to 50 किलोमीटर, एंड